ड्रामा कर रहे हैं दोनों, बेवकूफ बना रहे हैं सबको। अपने ऊपर इल्जाम भी ना आए और शादी भी हो जाए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये इनकी मिली भगत थी शादी करने के लिए। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। सुनेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने तुझे। चल चल। चल। और बता कब से चल रहे तुम दोनों का चक्कर? कब से कर रहे हो प्लानिंग? तो तेरे कल्ले का दिमाग तो हो नहीं सकता है, इतनी अकल तो है नहीं तुझमें। आही बस माही पे उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अब समझ में आया पिछली वाली शादी में भी जो फिल्म चलाई थी वो क्यों चलाई थी। इन घर वालों के पास तुम दोनों की शादी करवाने के अलावा कोई चारा ना बचे। राम 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 राम। कितना पाप बसा हुआ है लोगों के अंदर। मैं तो पहले ही कहता था जी दार जी, जो लड़कियां घर से निकल जाती हैं वो हाथ से भी निकल जाती हैं। उसके बाद मां बाप से प्यार, फैमिली वैल्यूज सब ड्रामे हो जाते हैं। माई के दिल में क्या था आज सबके सामने आ गया। और अब कोई क्या कर सकता है जी, रो लो पिट लो, ये ब्याह तो हो गया। और बहुत हो गया है ड्रामा। और माही को तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में, उसने कुछ नहीं किया जी। लो आ गया जी, आशिक अपनी माशूका का बचाव करने आ गया। इनकी दोस्ती भी ना अलग है। ओए कंजरा, तू तो कुछ बोलना भी मत। नाम अर्जुन है, हरकतें दुर्योधन वाली है। माही पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक, तेरी कोई औकात भी नहीं उसके बारे में कुछ बोलने की। माही के साथ न रिश्ता सेट करके आपने गलत किया दादाजी, पहली बार भी और अब भी। ऐसी लड़कियां ना पैसों के लिए किसी और के साथ शादी करती है और बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसे यार पाल के रखती है। ऐसी लड़कियां ना पैसों के लिए किसी और के साथ शादी करती है और बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसे यार पाल के रखती है। चौकी, पिछली बार मैंने तुझे बख्श दिया ये सोच के कि पलेकर का मुंडा है, पर नहीं, तूने अपनी गंदगी दिखा दी। और इससे पहले कि तू अपनी गंदगी माही पे खिलेरे, मैं तेरा मुंह पान दूंगा। छोड़ कर बकवास, तेरी तो मैं जुबान कर लूंगा। बोल हड़ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बोल कर बकवास। चौकी चौकी छोड़ उसको, छोड़ उसको।
पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया पर ये इंसान नहीं हटा। मैंने हल्का सा एक हाथ लगाया और गुस्सा खत्म गायब। क्या अब भी आप लोगों को यही लगता है कि ये दोनों मिले हुए नहीं है? देखो तो मुंह पे कैसे मासूमियत बना के रखी पर अंदर से ये लड़की चंड है। ऐसी लड़कियां ना लड़कों को तो उंगलियों पे घुमाती ही है और फैमिली को उंगलियों पे घुमाना इसके लिए बस एक आम बात होगी है ना। तू मेरे हाथ से हाथ जो काम तूने किया है ना उसके बाद तू मुंह खोलने लायक नहीं है और सवाल लड़ा रहा है। दस इस काम में तू कल ही था या माही भी तेरे साथ थी? दादू इस जानवर का दिमाग है क्या इतना सोचने का? पक्की बात है माही इसके साथ मिली हुई थी। अभी मन तो गवाही नहीं देता पर लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। बस यार बहुत हो गया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे सबको सच बता लेने दे। जो कि नहीं। अब क्या बताना रह गया है? सब कुछ तो आ ही गया है सामने। तुम दोनों की सच्चाई तेरा प्यार और माही के गिरे हुए संस्कार। बस बहुत हो गया ड्रामा। अब मैं चुप नहीं रह सकता। देख बात जब तक मुझ तक थी ना तो मैं चुप था। अब बात तुझ पे आ रही है मैं चुप नहीं रहूंगा। चुकी प्लीज तुझे दी हुई सारी कसमें मैं तोड़ता हूं। आप लोग जानना चाहते हो ना कि मैंने इसको किडनैप क्यों किया? चुकी क्योंकि जी ये सही मुंडा नहीं है आपकी कुड़ी के लिए। क्या लगता है ये किसी उच्च घर का जद्दार मुंडा है? और ना जी इससे ज्यादा जद्दार तो हमारी गली के गुंडे होते हैं जो कम से कम अपने घर की कुड़ियों की तो इज्जत करते हैं। और ये तो ऐसी गली का गुंडा जिसे ना तो अपनी इज्जत की परवाह ना ही अपने घर वालों की इज्जत की परवाह। और ये राय साहब सब कुछ जानते हुए भी एकदम चुप रहे। जानते हो आप लोग क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ ही की जिंदगी आबाद हो या बर्बाद हो। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इनके अपने पोते से। ओ इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी जो इनके अय्याश पोते की ना सेवा करे। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? किस मुंह से बोलोगे? और आप सभी लोग जो अपने आप को माही का परिवार कहते हो पता है माही ये ब्याह क्यों करना चाहती थी? चुकी बोल लेने दे मुझे। आज मैं चुप नहीं करूंगा। सब कुछ जानते हुए माही ये ब्याह करने जा रही थी ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सके। अपनी जिंदगी को जिंदगी भर के लिए दुखों में झोंकने जा रही थी ताकि आप लोगों का मान सम्मान बना रह सके।
बचा ले अपना मान सम्मान। वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी। जो वकालत मोहब्बत सिखा देती है ना, वो बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस नहीं सिखा पाते हैं। तूने प्रूव कर दिया आज। कैसे बात घुमा दे, इतना कांड होने के बाद भी जो लोग बारात लेके आए हैं उनको मिनट में बुरा बना दिया। और जिस लड़की की वजह से इन सारे घरवालों को मुंह नीचा करना पड़ रहा है, जिस लड़की ने आज तक किसी की नहीं सुनी, हमेशा अपनी मर्जी चलाई, और जिस लड़की की वजह से इस परिवार की एक बार नहीं बल्कि कई बार थूथू हुई है, उसे त्याग की मूर्त बना दिया। मुझे तो लगता है जी ये बंदा ठीक कह रहा है। कांड भले ही जोगी ने किया हो, लेकिन इसके पीछे दिमाग माही का है। पता नहीं अंदर खाते इनका टांका कभी भिड़ा हो, और सबूत भी तो बार बार बाहर आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। खुद को इस घर का जवाई बोलते हुए टांका भिड़ा हुआ है, अंदर खाते क्या क्या चल रहा था, और कौन सा जीजा अपनी साली के बारे में ऐसे बात करता है। इसे दोस्ती कहते हैं, और पर तुम क्या समझोगे दोस्ती किसे कहते हैं। बेटे ऐसी फ्रेंडशिपें बहुत देखी है मैंने। फ्रेंडशिप में दोस्त दोस्त की बगल में आके बैठता है, ऐसे मंडप में आके नहीं बैठ जाता है। फ्रेंडशिप डे पे दोस्त दोस्त से गिफ्ट लेते हैं, ऐसे फेरे नहीं लेते हैं। तुम दोनों के बीच में जो है ना, वो दोस्ती नहीं बल्कि गंदगी है, गंदगी है। नाजायज रिश्ता कहते हैं उसे। और जो लड़की ऐसे रिश्ते पालती है ना, उन्हें दूसरों के घरों में झांकने से पहले खुद के गिरवान में झांको। चौकी नहीं बोलना चाहता था मैं, शर्म आती है बोलते हुए, पर अब कोई चारा नहीं बचा, बोलना पड़ेगा मुझे। कहीं इसे मेरे और चंदा के रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं है? ओए पप्पू, कहीं ये दूध या चंदा और अर्जुन के बारे में कुछ ना बोलते। पता है अपनी बहन क्या क्या गुल खिला रही थी। ओए! क्या बकवास कर रहे तू? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच्चाई दिखा रहा हूं। ये अर्जुन जो इस अर्जुन और उस चंदा के बीच में है ना, उसे नजायज रिश्ता कहते हैं। और तरीका नहीं मिला तो बात मेरी बहन की तरफ घुमा दी। क्या इसी वजह से तो चंदा नहीं बैठी थी माही के कमरे में? और वो भी माही के जैसा सेम डिट्टो शादी का जोड़ा पहन के। ये मॉडल जी तो मेरी नैया डुबा के रहेगी। हमने देखा था, हम दोनों ने देखा था, और इसी बात के लिए उसे धोया भी था। और कहीं इसी वजह से चंदा माही की जगह तो नहीं बैठना चाहती थी? और हो सकता है जो जोगी बोल रहा हो वो बिल्कुल सच हो। ठीक है जी, अगर ये बात सच निकली तो आज चंदा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज देखेगी दुनिया पप्पू का कहर। चंदा,
आ यहाँ पे। बता सबको क्या तेरा अर्जुन के साथ चक्कर था, बता। मेरा अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं है। फिर क्यों तू माई की जगह पे दुल्हन बन के बैठी, क्यों तूने उसकी जगह ली, बता चंदा बता। ये सब मैंने माही के कहने पे किया। के छोड़े में क्या कर रही हूं? क्योंकि आज दुल्हन तुम नहीं मैं बनूंगी। क्यों झूठ बोल रही है चंदा? बता दे सबको सच कि तूने मुझ पे अटैक किया था, मुझे बेहोश करके एक सूटकेस में डाल दिया ताकि तू अर्जुन से शादी कर सके। वाह माही वाह, कितनी झूठ बोलेगी माही, भगवान से थोड़ा तो डर। चंदा मतलब तू बोलना चाहती है एक सूटकेस में मैंने तुझे बंद किया और डालाई। झूठ बोलना भी है ना, तो ऐसा बोल जो इंसान बिलीव कर पाए। ऐसी आड़ी टेढ़ी बकवास तो मत कर। चंदा तूने जब से कहा तब से मैं कमरे में बैठी हुई थी, उसके बाद मैंने कमरे के बाहर एक कदम तक नहीं रखा। तो बता मैं तुझे कौन से सूटकेस में भर के कहां छोड़ाई माही? प्लीज चंदा। इसी के कहने पे मैं इसके कमरे में बैठी हुई थी और तब भाभी ने आके मुझे वहां पकड़ लिया। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है वो जागो वाली रात, आप मुझे बुलाने आई थी, आपने कहा था कि आपके साथ मैं नीचे चलूं, लेकिन मैं नहीं आई थी। उस दिन भी इस माही के कहने पे मैं इसके कमरे में बैठी रही ताकि ये जाके इस जोगी से मिल सके। अगर ये शादी जोगी माही की मिली भगत थी तो ये चंदू चुड़ैल उस दिन माही के कमरे में माही जैसा सेम तो जोड़ा पहन के वहां क्या कर रही थी? इन दोनों बातों का तो कोई मैच नहीं है ना। वो पूरा मैच हो रहा है यार, ये इनका बैकअप प्लान था। क्या मतलब पप्पू जी? मतलब ये कि अगर सहरे में जोगी नहीं आता तो घूंघट में माही चंदा को भेज देती और बाद में कहीं जाके जोगी से शादी कर लेती। और इसीलिए ये सारी चंदा और अर्जुन की कहानी गढ़ी गई है। इसे कहते हैं चंट दिमाग। प्लान ही नहीं बल्कि बैकअप प्लान भी बना रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है चंदा,
प्लीज इनको सब कुछ सच सच बता दो कि तुम अर्जुन से शादी करना चाहती थी, उसने तुमको धोखा दिया, वो नहीं करना चाहता था तुमसे शादी, प्लीज चंदा बोल दो, प्लीज बता दो सबको सच। मैं ऐसा क्यों बोलू माही, जबकि मुझे पता है कि ये सब कुछ झूठ है। क्या बोल रही, चंदा और मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है। उसे सच बोलने के लिए कह रही हो ना, खुद तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। सच बता दूं माही, और सच ये है कि तेरे लिए अर्जुन से शादी कभी शादी थी ही नहीं। तेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी। शादी तो ये हमेशा जोगी से ही करना चाहती थी,